परेशान हो रहे हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? मुझे खुशी है कि काफी तादाद में लोग मतदान कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग अपने मत का सदुपयोग करेंगे उतना हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। एक अच्छा चुनाव हो और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम भी आएंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं हमेशा आशावान रहा हूं। हमारा प्रचार, हमारा मैनिफेस्टो, हमारी गारंटी लोगों को पसंद है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम अच्छे परफॉर्मेंस करके एक बढ़िया सरकार बनाएंगे। सर, आप मानते हैं कि जो आने वाले समय में जिस तरह कांग्रेस पहले कह चुकी है पहले भी कि हरियाणा में बहुमत से आप सरकार बनाएंगे और बहुमत की सरकार अगर आपके कांग्रेस की बनती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है हमारी सात गारंटी क्या रहेंगी, हम जनता को क्या देना चाहते हैं और हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक न सिर्फ स्पष्ट लेकिन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। जनता ने 10 साल में भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो देख लिया है, बदलाव की तरफ सब लोग झुके हुए हैं। भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सब अब बदलाव चाहते हैं और चारों तरफ से जो फीडबैक हमको मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए मैं आशा मानूं कि हम सरकार बनाएंगे। अंतिम सवाल सर, कि किसानों को लेकर जो उनकी मांगे थी या किसानों के मुद्दे हैं, आप उसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, किसान वर्ग को पिछले 10 सालों में हमेशा ही निराशा हाथ लगी है। ना तो एमएसपी पे कानून बना है, काले कानून जो बनाए 3 वो विड्रॉ करने पड़े, बावजूद उसके सरकार ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी करना छोड़ दीजिए, किसान को आज बहुत बुरे हाल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसी सरकार हरियाणा बनेगी, हम जितने भी हमारे फार्मर्स के इश्यूज हैं उन सबको प्रायोरिटी पर लेंगे और देश भर में भी किसानों को आज उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.